इस मामले में ये पत्नी ने अर्जी दाखिल की थी तलाक की, आज इसमें आप पेश हुए, क्या कुछ कोर्ट ने कहा है? आलोक भाई एक मिनट, आलोक भाई एक मिनट, अरे आलोक भाई एक मिनट। सर ये बताइए कि आज इनके मामले में क्या कुछ हुआ है कोर्ट में? आज कुछ भी नहीं हुआ है, आज हम लोगों ने एक एप्लीकेशन डाला है कि वाद की कॉपी ये हमें प्रोवाइड कराएं और उसके बाद हम लोग जवाब लगाएंगे, जिसमें कोर्ट ने हमको 18 अगस्त का टाइम दिया है, इसके बीच में हमको वाद की कॉपी मिल जाएगी, उसके बाद हम लोग जवाब लगाएंगे। क्या है आप लोग, क्या दलील है इस मामले में? नहीं, दलील क्या है, वो पिटीशन उन्होंने फाइल किया है, जब वो हमको कॉपी मिलेगी तब तो हम जवाब लगाएंगे ना, वाद तो उनका है, तो आप पहले पढ़ें तो क्या उन्होंने दाखिल किया है, तो उसके बाद जवाब लगाया जाएगा। उनकी तरफ से आज पेश हुआ? उनकी तरफ से अभी तो कोई आया नहीं था, या उनके वकील आके डेट लिख गए। हाजिरी माफी के लिए उन्होंने कुछ ऐसा कहा? इसकी भी जानकारी नहीं, वो तो कोर्ट में जानकारी होगी, हम लोगों का पक्ष रखना था, हम लोगों ने एप्लीकेशन डाल दिया, हमको डेट मिल गई है। क्या डेट मिली है? 18 अगस्त को मिली है। जो आपका ये पूरा विवाद था इस मामले में, आपकी पत्नी ने अर्जी दाखिल की थी तलाक की, आज इसमें आप पेश हुए, क्या कुछ कोर्ट ने कहा है? सर अभी सर हमने वहाँ से कॉपी निकलवाने की गुजारिश की है हमारे एडवोकेट साहब ने, और सर अगली डेट 18 लगी हुई है सर, उस पर हम लोग अपना पक्ष रखेंगे। अच्छा, जिस तरह से आपकी पत्नी ने यहाँ पर आरोप लगाया है दहेज का मुकदमा दर्ज करा, उस मामले में भी आपके बयान हो गए हैं, क्या कहना है आपका? सर जैसे मेरा एक बयान अभी डीजी साहब की जो कमेटी गठित हुई थी वहाँ पे हुआ, उसकी सच्चाई खुलने जा रही है, उसी प्रकार ये भी फर्जी मुकदमा है, ये भी बहुत जल्दी आप लोगों के सामने खुल के आ जाएगा, सारे मुकदमे उनके फर्जी हैं, जबरदस्ती लगवाए गए। पत्नी पर जो आरोप लगाए थे कि वो अवैध से जो है वो कमाई भी करती है, क्या सर अभी अभी हम कोर्ट से हो लें सर, कोर्ट के काम के बाद समझौते के लिए भी तैयार है सर? समझौते के लिए मैं बच्चों के लिए, बच्चों के समझौते के लिए तैयार हूँ, बाकी अगर आपकी पत्नी वापस आ जाती सब भूल जाएंगे। पत्नी ने, ज्योति जी ने 14 अप्रैल को डाइवोर्स फाइल किया था और विवाह विच्छेद के लिए यहाँ पे परिवार न्यायालय में, और उसका 1 तारीख को इनको नोटिस, 2 तारीख को, 2 जुलाई को नोटिस रिसीव हुई है आलोक को, और आज का डेट लगा हुआ था 11 तारीख को, तो 11 तारीख को पहुँचे, चूँकि कोई इनके वाद की कॉपी नहीं थी हम लोगों के पास, तो हम लोगों ने एक अप्लीकेशन डाला है कि इन्होंने जो वाद दाखिल किया, जो आरोप लगाए हैं, जिस आधार पर डाइवोर्स चाहती हैं, उसकी एक कॉपी हमको दी जाए, और वकालतनामा भी दाखिल हुआ है। आज इस पे हमको डेट मिल गई है कोर्ट के माध्यम से 18 अगस्त को, तो 18 अगस्त से पहले हमें लग रहा है कि उनकी तरफ से, उनके अधिवक्ता की तरफ से हमको कॉपी रिसीव हो जाएगी, हम जवाब भी लगा देंगे, और जो बहस होगी 18 अगस्त को होगी। तो एलिगेशंस कई हैं आलोक मौर्या की तरफ से, और उधर से भी ज्योति मौर्या की तरफ से है, तो उसमें कितना क्या है आप? देखिए बहुत सारी चीज़ें हैं जो अभी थोड़ा इसको बचा है फैमिली को बनाने का, वापस लाने का, इसलिए बहुत ज़्यादा आक्रामक बोलने की आवश्यकता नहीं, लीगल पॉइंट पे बात करिए, या जो भी आरोप लगे हैं, देखिए सोशल मीडिया में से लेकर के अब मीडिया में भी चीज़ें आ गई, बहुत सारा ज्योति जी की तरफ से गलत तरीके से आलोक के ऊपर कार्रवाई करने की कोशिश की, बहुत सारा दबाव पुलिस विभाग पर किस तरह से, अब आप यूँ समझ लीजिए कि ये तक कहा गया है कि इस पर किसी केस में फंसाया जाए, और जो अभी उन्होंने केस फाइल किया है वो इलीगल है, आप भी जानते हैं 14 साल बाद दहेज प्रताड़ना लागू नहीं होती है, 13 साल बाद। उसके बाद उन्होंने ऑफिसर्स को भी डिस्टर्ब करने की कोशिश की है, मुख्य मुद्दा यह है कि इसमें जो सबसे बड़ा गलत काम किया है वो मनीष दुबे ने किया है, एक हंसते खेलते परिवार को तोड़ने का काम, ये लीगल पॉइंट तो चलिए ये सिविल सूट है, सिविल मैटर है, ये चलता रहेगा, सिविल मैटर पेंडिंग जाता है, थोड़ा सा डेट लगती है 1-1 महीने पे, तो इतना नहीं कि आज दाखिल हुआ कल डिसाइड हो जाएगा, लेकिन मामला यहाँ पे मानवता के आधार पर है, मानवता के आधार पर एक परिवार को तोड़ने का अपराध किया है, सामाजिक अपराध किया है मनीष दुबे ने, और ये व्यक्ति अभी बोल रहा था कि इनको आलोक को ये नहीं पता है कि फाइनल ईयर में कितने पेपर होते हैं, अब मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूँ उनको भी नहीं पता है मनीष दुबे को, क्योंकि जब इनके खिलाफ FIR होगी तो कितनी धाराओं में FIR होगी बता दें, जिस तरीके का इन्होंने क्राइम किया है, मैं व्यक्तिगत इसलिए जाना चाहता हूँ कि बहुत सारी महिलाओं ने इनके ऊपर यौन शोषण का आरोप लगाया है, इनकी पत्नी का जो वीडियो ऑडियो वायरल हुआ है उसमें भी इनकी पत्नी ने कहा कि मेरे से पहले 3 लोगों का मैं 4th नंबर पे हूँ, और कितनी अज्ञात महिलाएं हैं जो आलोक के टच में हैं, जो ये कहती हैं कि भैया मेरी शादी होने वाली है या मैं बदनाम हो जाउंगी इसलिए मैं नाम अपना नहीं लाना चाहती हूँ, कम से कम 4-5 लड़कियाँ हैं जो आलोक के टच में हैं, तो इस तरीके का करेक्टर वाला व्यक्ति एक परिवार को तोड़ रहा है, तो सबसे बड़ा तो गलत मनीष दुबे है ना, तो कार्रवाई सरकार को मनीष दुबे के खिलाफ करनी चाहिए, एविडेंसेस दे दिए गए हैं, और आज पेपर में आया है कि हो सकता है एक्शन हो जाए, क्योंकि इनके अगेंस्ट गई है रिपोर्ट, लेकिन अभी तक मनीष दुबे को लेकर कोई ठोस जो है कदम अभी तक कहीं नहीं। देखिए ये सरकार का एक प्रोसेस होता है, अभी हम आज सस्पेंड कर दे कल हाईकोर्ट से स्टे हो जाएगा, तो एक होता है कि हाँ जांच टीम गठित की जाएगी, जो लीगल प्रोसीडिंग है, जांच टीम की रिपोर्ट आएगी, तमाम लोगों के जो स्टेटमेंट है वो रिकॉर्ड किए जाएंगे,
तो अभी तमाम लोगों के स्टेटमेंट रिकॉर्ड किए गए, उसमें इनका भी था, आलोक का भी था, और जो संगीत कुमारी जो होमगार्ड है जिसका यौन शोषण हुआ है उसका था, इनकी पत्नी का था, और दो एक लोगों का स्टेटमेंट रिकॉर्ड करके डीजी को रिपोर्ट दे दी गई है। अब कार्रवाई होने की संभावना है, तो ये जुडिशियल नहीं लीगल प्रोसेस है, उस प्रोसेस को कंप्लीट करके ही कार्रवाई हो सकती है। ऑडियो जो है वायरल हुआ है जिसमें ये मारने की साजिश है, वो फेक ऑडियो है। इस ऑडियो में जो दिखाया गया है वो फेक ऑडियो है, ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन ऐसी ही प्लानिंग देखिए जो चैट में आया है वो यही आया है, और चैटिंग का ओरिजिनल रिकॉर्ड है, ऑडियो जो मैं समझ रहा हूँ वो फेक है। उसमें मारने की साजिश की गई, और मनीष दुबे के खिलाफ हत्या की साजिश की FIR होनी चाहिए, और ये व्यक्ति को जेल में होना चाहिए। और तमाम लोग आपके चैनल के माध्यम से एक चीज़ बताना चाहता हूँ, सोशल मीडिया में बहुत सारे फेमिनिस्ट कह रहे थे कि इन्होंने इनको मैटर उसमें सोशल मीडिया में नहीं लाना चाहिए था, मीडिया में नहीं लाना चाहिए था। मैं जितना क्रिमिनल केसेस को समझता हूँ, मैं बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ आलोक को, उन्होंने सोशल मीडिया और मीडिया में अपनी बात रख दी, वरना विद इन मंथ आलोक की हत्या हो सकती थी, जिस हिसाब से मनीष ने साजिश रची थी और इनको कोई आपत्ति नहीं थी ज्योति जी को, उस पर आलोक की हत्या हो जाती कौन आता, सोशल मीडिया पर सब स्टेटमेंट दे रहे हैं, पता चला कि एक व्यक्ति की हत्या हो गई, वो रोज कचहरी आ जा रहा है, और आप जानते हैं जुडिशियल प्रोसीडिंग थोड़ी स्लो है, तो कब किसके मर्डर हो जाए। अब तो कम से कम ये हो गया कि मर्डर होने के बाद तो मामला समझ में आ जाएगा कौन किया है, तो आलोक ने बेस्ट डिसीजन लिया है, मैं अपनी सुरक्षा के लिए वो जो किया है सही किया है। आलोक का कहना है कि जो है उनके बच्चों से उनको नहीं मिलने दिया जा रहा है। आलोक को तो नहीं मिलने दिया जा रहा है, ये बात सही है, और मेरा कहना है कि कम से कम उनको बच्चों से मिलने दिया जाए, न्यायालय के माध्यम से तो आदेश हो जाएगा कि इनके बच्चों से मिलने दिया जाएगा, या कोर्ट के आदेश के बाद तो ये बच्चों से मिल सकते हैं।